एक दौर था जब भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार दुर्गाबाई कामत का सिक्का चलता था, जिन्होंने उस दौर में 70 से भी ज्यादा फिल्में कर 40 गानों में बिना म्यूजिक के अपनी सुरीली आवाज के साथ ताल से ताल मिलाते हुए लोगों का दिल जीता था। बावजूद इसकी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद एक दिन इनकी जिंदगी में ऐसा आया कि परिवार समाज वालों ने इनका बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद ये कहीं नजर नहीं आई। तो ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी जिंदगी से जुड़ी पूरी दास्तान बताएंगे, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दुर्गाबाई कामत भारतीय सिनेमा में पहली महिला अभिनेत्री थी, जिन्होंने साल 1913 में भस्मासुर फिल्म में दुर्गा माँ का रोल प्ले किया था। बता दें इनकी भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन भारतीय सिनेमा में उस समय काम करने वाली महिला को वैश्य माना जाता था, पर इन्होंने दुर्गा माँ का रोल करके लोगों के इस विचार को नष्ट कर दिया था और लोगों के मन में महिलाओं के प्रति इज्जत बढ़ा दी थी। बता दें एक्ट्रेस का जन्म 1899 में हुआ था। हालांकि इन्होंने सातवीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की और इसके बाद शादी कर ली, लेकिन जल्द ही इनका तलाक हो गया, जिसके बाद इनकी 14 साल की बेटी ने इनका पूरा साथ दिया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर लोगों के दूषित विचारों को नष्ट किया और महिलाओं के प्रति भारतीय सिनेमा में जगह बनाई थी। जी हाँ, एक दौर था जब महिलाओं को फिल्मों में काम करना या फिर पर्दे पर महिलाओं का दिखना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए पुरुष ही फिल्मों में महिलाओं का किरदार निभाया करते थे। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बाद भी दुर्गाबाई ने फिल्मी पर्दे पर साहस दिखाने का काम किया और समाज की सोच बदली, जिन्होंने न सिर्फ भारत की बल्कि मराठी थिएटर की भी फिल्मों में काम किया। और फिर इन्होंने फिल्मों में काम करने के बाद न सिर्फ समाज का नजरिया बदला बल्कि सिनेमा का रुख भी बदल दिया, जिसके साथ इन्होंने अकेले अपनी बेटी को भी संभाला और समाज की प्रथाओं को तोड़ा। कहा जाता है कि इसके बाद दुर्गाबाई को कहीं काम नहीं मिला तो मजबूरन इन्हें नौकरानी बनकर काम करना पड़ा, क्योंकि इनकी फिल्मों का बहिष्कार कर दिया गया था। इस तरह से जब दुर्गाबाई कामत ने पहली बार फिल्मों में काम किया तो समाज ने इन्हें बेदखल कर दिया था। वेल दोस्तों, आपको क्या सीख मिलती है दुर्गाबाई कामत की इस उमंग भरी कहानी से कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।